क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है द टोटल नंबर्स ऑफ टू डिजिट विच आर डिविजिबल बाई थ्री। कॉमन सेंस से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस से करोगे तो बहुत जल्दी होगा। कैसे, हमें पता है 3, 6, 9, 12 अगर मैं ऐसे लिखूं, 3 से डिविजिबल नंबर तो इतने आएंगे। तो हमें पता है टोटल अगर शुरुआत से देखें, 1 से देखें 99 तक, तो 33 नंबर्स होंगे। भाई 99 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 33 नंबर्स हो जाएंगे 3 से डिविजिबल, समझ रहे हो, 33 नंबर्स होंगे। उसमें भी तीन ऐसे नंबर होंगे जो 1 डिजिट होंगे। क्या होंगे, 1 डिजिट। तो 33 में 3 को माइनस कर दो तो हमें ऐसे नंबर कितने मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। आंसर तो ए पार्ट आ जाएगा, आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, हमें पता है कि अगर मैं डायरेक्ट 3 से डिविजिबल नंबर लिखूं, 3 से डिविजिबल नंबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 3, 6, 9, 12, 99। तो 99 को 3 से डिवाइड करा तो ऐसे 33 नंबर्स हैं। तो अब ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 डिजिट हैं, उनको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 2 डिजिट पूछ रहा है। तो 33 में 3 गया, 30 बचा। लेकिन पेपर में कैसे लिखें, ये दिक्कत आ सकती है इस वाले में, क्योंकि ये कॉमन सेंस तो ठीक है, पेपर में तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करोगे। देखो पहला 2 डिजिट नंबर होगा 3 से डिविजिबल, कौन सा, 12। फिर कौन सा होगा, 15। फिर कौन सा होगा, 18। और लास्ट में कौन सा होगा, 99। ये सीरीज बन गई, आप सीरीज बना लिया करो, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीरीज बना लिया करो। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म भी बोलते हैं। तो nth टर्म हो गया 99 के बराबर। अब लगा दो फॉर्मूला, यहां से n निकाल लो। तो ये तुम्हारा है पूरा सॉल्व करने का तरीका। तो ये हो गया 12, n पता करना है, डिफरेंस आपका है 3 बराबर 99। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस का 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 87। तो n माइनस 1 इंटू 3, अब 3 का डिवाइड कर दो तो n माइनस 1 87 अपॉन 3, तो ये 29 आ जाएगा। तो क्या n की वैल्यू 29 प्लस 1 से क्या वो 30 के बराबर आ जाएगी, क्या n हमारा 30 के बराबर आ जाएगा, बता दो कमेंट सेक्शन में। n आ गया 30 के बराबर आ गया, यस और नो, क्या 30 के बराबर आ गया, क्लियर सबको, समझ में आई बात। तो n हो गया 30 के बराबर, ये हमारा आंसर हो गया।